मैं क्योंकि एक वित्तीय संस्थान में काम करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है ये जानते हुए कि मैं अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मेरी नॉलेज है, मुझे आपके साथ साझा करने का अवसर मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन ख़त्म होने के बाद वित्तीय चीज़ों को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी है, थोड़ा मन में एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम भी इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय या फिर अपना अपनी नौकरी या फिर अपना बचत या फाइनेंसेस जो भी रिलेटेड काम होते हैं तो आपको एक बेस मिल जाए जिससे फिर आप उस पर प्रगति कर सके आगे और ज्ञान अर्जित करें। क्योंकि सेशन की जो लंबाई है 1.25 घंटे तक की है तो उसमें हम पूरी जानकारी तो आपसे साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा। फिर आप आगे जाके, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको आप अनजान नहीं रहेंगे चीज़ों से। अगर इस संबंध इनके संबंध में आपसे अगर कुछ बातें हो रही है तो आपके सामने कुछ बातें हो रही है। टीवी में अभी रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ था 23 जुलाई को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आप लोग जानते हैं, वित्त मंत्री का नाम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारी जो मौजूदा वित्तीय मंत्री है, उन्होंने अपना 7वां बजट इस बार पेश किया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, लगातार 7 सालों से वो बजट पेश कर रही है। वैसे तो 6 साल है, लेकिन एक इंटरिम बजट फरवरी महीने में उन्होंने जारी किया था चुनाव से पहले। जो बजट सत्र होता है वो फरवरी में ही किया जाता है, और जो चुनावी वाला साल होता है उस साल एक प्रिलिमिनरी टाइप का एक टेम्पररी बजट सत्र होता है, और फिर एक चुनाव के बाद, जैसे इस साल हुआ 23 जुलाई को, एक फाइनल बजट पेश किया गया। बजट से आप लोग क्या समझते हैं? देश का बजट जारी हुआ था, किसी ने इस बारे में कुछ पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, बजट में क्या रहता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, पहले तो ये समझिए कि वित्तीय वर्ष होता क्या है। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में अंतर जानते हैं आप लोग? चलिए मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो होता है, हमारे भारत वर्ष का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से चालू होता है। ये नया साल जैसा नहीं रहता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला, ये वो चीज़ नहीं है। ये 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च तक ये चलता है, और 1 अप्रैल से फिर नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर अब कभी भी आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चालू रहता है, ठीक है? तो बजट में ये घोषणाएं होती हैं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, फरवरी मंथ में ये घोषणा होती है कि आने वाला जो अप्रैल है 2 महीने बाद, वहाँ से लेके पूरे साल भर तक जो भी भारत देश का सरकार की जो भी आय हुई है तो उनको हम किन तरीकों से किन जगहों पे बांटेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार के पास बहुत सारे विभाग होते हैं, आपका वित्तीय विभाग होता है, डिफेंस विभाग होता है, पढ़ाई का विभाग होता है, महिला और बाल विकास विभाग होता है, बहुत सारे विभाग होते हैं। तो सरकार की जो भी आय बनी है तो उसका कितना फीसदी हम किन किन क्षेत्रों में आवंटित करें, यह बजट में आपको बताया जाता है, ठीक है? तो बजट में ये सब डिस्कस होता है कि लोगों को आगे बढ़ने के लिए सरकार कितना बजट आवंटित कर रही है। जैसे इस साल जो है, जो बजट आया था 23 जुलाई को, उसमें आप ही जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप सब अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ही सब लोगों के लिए ये साल बजट आया है। इसमें इस बार स्किल इंडिया के तहत आपको कई सारे फंड्स जो हैं, जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी अध्ययन रहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी कुछ बजट अलॉकेट हुआ है, जिससे आप लोग को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा विभिन्न कंपनियों में। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी आप वहाँ पे नौकरी करते हैं, 3-4-5 महीने की एक टेम्परेरी नौकरी करते हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे काम चल रहा है। आपको अगर बैंक में मैं इंटर्नशिप दूंगा, इसका मतलब आप 5-6 महीने के लिए बैंक आएंगे और देखेंगे कि बैंक में किस तरीके से काम होता है, कौन लोग आते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, ये सब, जिससे आपकी स्किल में बढ़ोतरी होती है, आपको ज्ञान अर्जित होता है। ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। किताबी ज्ञान एक चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में किताबी ज्ञान बहुत सारा ऐसा भी होता है जो फेल हो जाता है। वहाँ पे आपको आपकी अंतरात्मा जो कहती है कि भाई ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो आपको वहाँ पे
दाव खेलना होता है, भले हो सकता है कि किताबी चीज थोड़ी सी अलग हो। तो ये सब चीजें जब तक आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको नहीं समझ आएगा। तो इस साल के बजट में इस चीज पे बहुत ध्यान दिया गया है कि आप सभी जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं छात्र, उनको एक प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे आपका एक स्किल्ड, आप एज अ डेवलप्ड एक इंडिविजुअल बन के निकले। ठीक है, तो आप लोगों में से, अब बैंक की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों में से बैंक खाते किन किन के हैं, हाथ उठाएंगे एक बार। सभी के ही होंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह का पैसा आता है, तो बैंक खाते लगभग आप सभी के हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बैंक से आपका जो रिश्ता है वो बैंक के बचत खाते से ही शुरू होता है। आप बैंक में जब तक अपना बचत खाता नहीं खुलवाएंगे, बैंक का और आपका कोई लेना देना नहीं है आपस। ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में जो वित्तीय जो बचत खाते होते हैं उनका ब्याज दर लगभग 2.5 से 3% का रहता है सालाना। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टाइप का कैलकुलेशन रहता है। खैर, हम इस बारे में बात करना। अब देखिए, एक होता है KYC। आप तो KYC का मतलब जानते हैं। KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि आप बैंक में प्रवेश करते हैं तो आप किस आधार से बैंक वालों से बात करेंगे, अपने बचत खाते के आधार। आपका बैंक से कोई संबंध ही नहीं रहेगा तो आप आओगे और करोगे क्या? मेरे से भी आप बोलोगे कुछ तो मैं बोलूंगा आपका अकाउंट नंबर दीजिए, आप बोलोगे मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि फिर भागो आप। तो आपका अकाउंट होना है, तो अकाउंट और KYC बहुत जरूरी चीज है। KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर से क्या समझ में आ रहा है आपको? हिंदी में भी बोल सकते हैं नो योर कस्टमर माने ग्राहकों की पहचान। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। भाई आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास रोज हजारों लोग आ रहे हैं, तो मैं आपको किस आधार से जानूंगा भाई कि ये छात्र कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप मुझे अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ दस्तावेज दिखाएंगे, तब मैं जानूंगा कि हाँ भाई ये बंदा सुशील है, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये जो बंदा मेरे पास आया है, ये रहता कहाँ का है? कहीं ये रायपुर का तो नहीं है, कहीं ये विदेश का तो नहीं है, ये कैसे जानूंगा? तो जब आप मुझे अपना आधार कार्ड देंगे या आप मुझे अपना वोटर कार्ड देंगे, तो मुझे उसमें पता चलेगा भाई कि इसका एड्रेस जो है बंदरचुआ का। तो ये जो कस्टमर है ये बंदरचुआ है। तो ये जो बैंक आपसे डाटा लेती है, आपसे संबंधित डेमोग्राफिक डिटेल बोलते हैं, जो आपसे संबंधित ये सब डेटा लेती है, आपकी जन्म तिथि लेती है, आपका नाम पूछती है, आपके पिता या पति का नाम पूछती है, आपका एड्रेस पूछती है, आपका मोबाइल नंबर पूछती है, ये सभी चीज़ें जो है KYC जो बोलते हैं उसके अंतर्गत आती है। आपने अपने घर में देखा होगा, आपके माता पिता से पूछिएगा, वो लोग KYC करवाने बैंक आते रहते हैं किसी कारण, आज बैंक जाना है KYC कराना, तो उनको भी पता नहीं रहता KYC का मतलब क्या है, बस वो एक टर्म प्रचलन में है KYC तो सब यही बोलते हैं। पर KYC का असली मतलब होता है कि बैंक आपको इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जानता है, तो दिस इज कॉल्ड KYC। KYC के लिए जो मैंने आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स बताए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये लगता है, पासपोर्ट भी चलता है, लेकिन यहाँ पासपोर्ट का उतना चलन नहीं है, वो महानगरों में रहता है, और पैन कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपका एक बैंक के साथ अकाउंट खोलते समय या कोई भी कार्य करते समय, ये डॉक्यूमेंट्स आप हमेशा रखिए।